तो भाई आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो हमारे पास है, मतलब कि देखो इससे पहले मैं तुम्हें जितने भी करा रखे हैं वो सारे के सारे थे, मतलब कि सबसे पहले मैं तुम्हें एग्जाम करा था। टोटल जो हमारे पास क्लास है वो टोटल 12 क्लास हो रही है, हमारी 12 क्लास हो गई है, आज जो हमारे पास है 13 क्लास है। ठीक है, तो मतलब इससे पहले मैं तुम्हें कैन और कुड करवा चुका हूँ, आज जो हम करने वाले हैं वो यूज ऑफ वुड करेंगे। देखो जो मतलब अगर मैं बोलूँ कि यूज ऑफ वुड के अंदर होता क्या है, तो सबसे पहले तो हेडिंग डालो कि जो यूज ऑफ वुड है वो क्या है। और भाई ध्यान रखे चलना है, इसने मतलब जिसने भी इससे पुरानी जितने वीडियोस हैं नहीं देख रही है पहले वो सारी की सारी वीडियोस देख लो, उसके बाद ये वाली क्लास तुम्हें और अच्छे समझ में आएगी ये चीज़ें। और फिर जाके देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या 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 चीज़ें ऐसी हैं जो सामने हमारे आती हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। देखो पहले हेडिंग डालो यूज ऑफ वुड। देखो सबसे पहले जो हमारे पास ना, अगर हम वुड की बात करें, इसमें एल जो हमारे पास है ये एल हमारे पास साइलेंट है। अगर मैं यूज ऑफ वुड की बात कर दूं तो इसमें वुड में एल क्या साइलेंट है, हम इसको वुड मतलब वुड नहीं पढ़ेंगे, इसमें हम वुड पढ़ेंगे, तो इसमें एल साइलेंट है। और देखो अपना जो नेक्स्ट बात है, सबसे पहले जैसे मैं तुम्हें सबके आइडेंटिफिकेशन बताते आया हूँ, इससे पहले मैं तुम्हें जितना मतलब जो भी करवाए हैं पहले मैं तुम्हें सबके आइडेंटिफिकेशन बताएं, मतलब कि हम पहचानते कैसे हैं कि भाई कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, मतलब कि हम कैसे पहचानेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमें वुड लगाना है। तो देख लो आइडेंटिफिकेशन की अगर मैं बात कर दूँ तो जो आइडेंटिफिकेशन है मेरे पास, देखो आइडेंटिफिकेशन सिंपल सा मेरे पास है, अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में, किसी सेंटेंस के लास्ट में अगर मेरे पास ता होगा या फिर ती होगी या फिर इसके अलावा इसका ते होंगे, अगर इन सब में से जैसे एक मेरे पास तेरा, एक ये है और अगला ये है, अगर इन सब में से कोई सा भी किसी सेंटेंस के लास्ट में हमारे आता है तो हम उस टाइम क्या है वुड का यूज करते हैं, उस टाइम हम वुड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या है कि पता होना चाहिए, देखो बिना आइडेंटिफिकेशन के, बिना आइडेंटिफिकेशन के हम क्या है कि उसको समझ नहीं सकते कि हाँ भाई क्या क्या चल रहा है और क्या क्या नहीं चल रहा है। तो पहले हमें आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए कि मतलब हम पहचानते कैसे इसको, हम आइडेंटिफिकेशन को हिंदी में हम पहचान बोल सकते हैं कि भाई जो पहचान क्या है कि हम कहाँ कहाँ पे वुड का यूज करेंगे। सिंपल सी बात बोलते हुए हमें क्या कि पहचान, तो देखो हम कैसे पहचानते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि क्या क्या मतलब अगर मेरे पास लास्ट के सेंटेंस में ता होगा, ती होगी, ते होंगे अगर आता है तो हम उस टाइम क्या है कि वुड का यूज करते हैं, ये बात हमें पता होना चाहिए। उसके बाद जो अपना इसके जैसे मैं तुम्हें हमेशा बताया कि हमारे पास जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा क्या है टोटल टोटल मान लो कि एक अफर्मेटिव होता है, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, और उसके बाद मेरे पास क्या है कि डबल इंट्रोगेटिव आता है, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, टोटल हमारे पास ये सारे के सारे होते हैं। अगर ये सारे हमें आते हैं तो ये मान के चलो कि हम इस कभी अटकेंगे नहीं, मतलब कि कभी भी अगर हम ये सारे सारे पहचान लेते हैं ना कि कौन कौन सा सेंटेंस बनते हैं तो हम उसे ये मान के चलो, और ट्रांसलेट कैसे कैसे करते हैं अगर ये हमें बातें पता लग जाती हैं तो हम किसी भी सेंटेंस को आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो देख लो अब हमारे पास क्या क्या बातें सामने आती है, फिर देखेंगे इसके सामने। देखो जैसे मैं तुमसे पहला बोल दूं कि सबको पता है सबसे पहले हम क्या है कि जो पहला देखते हैं वो हमेशा होता है अफर्मेटिव, पहले मेरे पास अफर्मेटिव है। देखो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, मैं पहले बहुत बता चुका हूं, अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम सिंपल कुछ बोल रहे होते हैं और कुछ नहीं करते। अगर किसी सेंटेंस के अंदर अगर हमारा सिर्फ काम है कि हम कुछ बोल रहे हैं, अगर सिर्फ हमें बोलना है तो उस सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो देखो हम इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे जो मेरे पास अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हें हमेशा बताया कि पहले मैं रूल्स पता होने चाहिए, तो रूल्स तुम्हें हर एक जो भी मैंने चैप्टर कराए हैं, फिर जितने भी मैंने तुम्हें टॉपिक करवाए हैं सबके अंदर मैं तुम्हें रूल बताया बताया जरूर है, तो उसके अकॉर्डिंग देख लो आगे हमारे पास क्या क्या बातें आती हैं। तो पहले मैं इसमें क्या जो तुम्हारे रूल आते हैं पहले रूल को लिखवा दूं कि देखो अगर मैं अफर्मेटिव के रूल की बात कर दूं वुड के अकॉर्डिंग, अगर वुड के अकॉर्डिंग में इसके रूल की बात करता हूं, सबसे पहले मेरे पास आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और फिर सब्जेक्ट प्लस अब मेरे पास जो मॉडल्स है वो आ जाएगा, मॉडल्स क्या है मेरे पास यहाँ पे वुड है, तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस
V1, भाई V1 का मतलब बहुत बार बता चुका हूं मैं कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, मतलब कि जो वर्ड मीनिंग हम याद करते हैं वो सारी होती है। तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 और फिर प्लस में मेरे पास है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये चीजें। तो मैं इसके क्या कुछ कुछ तो मैं एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं, तो उसको हम नॉर्मल सॉल्व करेंगे। जैसे अगर मैं पहला एग्जाम्पल ले लूं इसका, देखो जैसे पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं कि मैं पहला बोलूं कि आप खाते होंगे, मैंने सिंपल से बोला कि अच्छा जैसे मान लो ये हमसे ना, हम इसको यूज किस टाइम करते हैं, जैसे मान के चलो कि ऐसा बोल दो कि राम घर पे क्या करता होगा, मैंने बोला कि राम घर पे करता क्या होगा अभी, तो किसी ने बोल दिया भाई राम ना खाता होगा, मैंने कहा राम खाता होगा। तो यहाँ पे हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता, हमें क्या पूरा पूरा कंप्लीटली पता नहीं है कि राम कर क्या रहा है। तो इसमें हम क्या है कि जब भी ऐसे कोई तुक्के भिड़ने की बात सी आती है तो एग्जैक्ट हम बता नहीं पाते। जब भी हमें कुछ एग्जैक्ट ना पता हो उस टाइम हम क्या है कि एक मान लो वुड का यूज किया जाता है यहाँ पे। तो मैं जैसे पहला एग्जाम्पल इसमें ले लिया कि राम खाता होगा। तो देखो मैंने लास्ट में क्या देखा, ता होगा। तो अगर ऐसे ता होगा, ती होगी, ते होंगे, इन तीनों में से अगर मेरे पास कुछ भी आ जाता है तो हमें क्या समझ रहे हैं यहाँ पे, इसमें हम क्या है कि वुड का यूज करेंगे। तो मैं अगर देखो सबसे पहले हमें पहले क्या पहचाना है, सब्जेक्ट को पहले पहचाना है, सब्जेक्ट कौन सा है। मैं देखा राम जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो उसे ट्रांसलेट कैसे करूंगा, मैं पहले दूंगा राम, पहले मैं लिखा राम। अब क्या है, राम के बाद मेरे पास क्या आएगा, देखो पहले सब्जेक्ट लिख दिया मैंने, सब्जेक्ट यहाँ पे राम है, अब लगाएंगे वुड, तो राम वुड। अच्छा सबको पहले ये वाली बात पता होगी कि अगर जो मेरे पास V1 है, ये जो मेरे पास V1 और प्लस ऑब्जेक्ट है, इसके बदले इन्फिनेटिव भी लिख सकते हैं। अगर जिसने पुरानी क्लासे देखी होंगी तो उसके अंदर मैंने ऐसा कर रखा है कि V1 प्लस ऑब्जेक्ट जो मेरे पास है वहां पे क्या हम इन्फिनेटिव INFINITIVE इन्फिनेटिव भी हम क्या वहां पे लिख सकते हैं आराम से। इन्फिनेटिव, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या बताया कि जो राम वुड, तो यहां पे क्या बात चल रही है कि हम राम की बात कर रहे हैं, राम क्या कर रहा होगा, मतलब कि राम वुड यहां पे क्या कर रहा है, खाना खाने की बात चल रही है। तो खाना खाने को क्या बोलते हैं, ईट, तो राम वुड ईट, राम वुड ईट, ये छोटा सा मैंने एग्जाम्पल बोल दिया। मैं उसके बाद में जैसे मान लो इसका एक एग्जाम्पल और ले लूं और फिर मैं वहां पे बोल दूं कि आप उससे जानते होंगे, मैंने बोला कि आप उसे जानते होंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि भाई यहां पे दोबारा देखा मैंने लास्ट में ते होंगे आ गया, मैंने क्या बोला कि लास्ट में ते होंगे आ गया। तो हमें क्या समझना है, अगर यहां पे ते होंगे आ रहा है तो हमें सिंपल सी बात है यहां पे हम वुड का यूज करेंगे। तो अब देखो जैसे मान लो मैं इसमें अगर ना इसको अगर मैं इसको ट्रांसलेट करता हूं, सबसे पहले हमें करना है, अच्छा हमें पहले ही पता होना चाहिए कि जानने का मतलब क्या होता है, बात चलने की मतलब आप उसे जानते होंगे, तो यहां पे जानने को बोलते क्या एक्चुअल में, यहां जो पास जानना है इसे एक्चुअल में बोला क्या जाता है, जानने को बोलते हैं नो, KNOW नो, यहां पे जो के है वो साइलेंट है, मतलब कि हम जब भी साइलेंट वर्ड को पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग का जो वर्ड है जिसे मेरे पास इसमें के साइलेंट बताया मैंने, तो अब क्या है कि हम इसको पढ़ेंगे नहीं, जिस वर्ड जो वर्ड हमारे पास साइलेंट होते हैं हम उस वर्ड को क्या पढ़ते नहीं है। अब देखो हमें ना दूसरी बात का समझ के चलनी है कि अगर हमारे पास ऐसी कोई सी बातें, अच्छा हम कैसे पहचानते हैं कि कौन से वर्ड साइलेंट है कौन से वर्ड साइलेंट नहीं है, इसके ऊपर भी एक प्रॉपर क्लास होगी, एक तुम्हारे पास कही कि इसकी एक क्लास होगी जिसमें हम ये पहचानेंगे कि हम कैसे कैसे पहचान सकते हैं कि कौन कौन से वर्ड हमारे पास साइलेंट है और कौन कौन से वर्ड साइलेंट नहीं है, ये चीज़ें। तो मैंने बोला कि अब हम इसको देखते थे, मैं बोला पहले सबसे पहले पहचानते हैं कि सब्जेक्ट मेरे पास क्या है इसमें, जैसे अगर मैं इसको ट्रांसलेट करता हूं तो उसमें सब्जेक्ट क्या है, आप जो है इसमें वो सब्जेक्ट है, जो आप है उसमें वो क्या है, सब्जेक्ट है। तो क्या लिखेंगे, आपको क्या बोलते हैं, हम यू बोलते हैं, तो यहां पे लिखेंगे यू, पहले सब्जेक्ट लिख दिया मैंने, ये जो मेरे पास सब्जेक्ट था पहले मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट के बाद लिखूंगा वुड, तो यू वुड, यू वुड। अब देखो किसकी बात चल रही है इसमें, जानने की बात चल रही है,
अच्छा किसे उसे उसे जानने की बात चल रही है, मैंने बोला कि यू वुड नो, पहले मुझे इतना बता, जैसे मैं सिंपल बोल दूं कि आप जानते हैं या फिर आप जानते होंगे, मैं ऐसा बोल दूं आप जानते होंगे, तो यहां पे क्या लिखूंगा, यू वुड नो, यू वुड नो, लेकिन यहां बात चल रही है आप उसे जानते होंगे, तो हम लिख देंगे यू वुड नो हिम, हिम। अच्छा देखो अभी मैं हिम लिखा है यहां पे, मैं यहां पे हर भी लिख सकता हूं, यहां पे क्या मैं हर भी लिख सकता हूं। अच्छा हर किस केस में लिख सकता हूं, अगर मुझे लगा कि यहां पे जो है लड़की है तो हर लिख दूंगा, और अगर लगा कि लड़का है तो उस टाइम हिम लिखूंगा, ठीक है, ये चीज है। अब जो हमें देखो समझना क्या है, अगर मैं बोल दूं कि आप राम को जानते होंगे, यहां पे लिखा होता कि आप राम को जानते हो, तो क्या लिखूंगा, यू वुड नो राम, इस तरीके से, या ऐसा लिख सकते हैं यू वुड नो टू राम, ऐसा हो जाएगा। तो यहां पे हमें नो तक तो ठीक है क्लियर है, लेकिन ये जो लास्ट में जो मेरे पास आ रहा है ना, ये जो लास्ट की चीज है भाई, इस चीज को समझना है हमें। जैसे मैंने बोला कि आप उसे जानते होंगे, तो क्या बोलूंगा, यू वुड नो हिम, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल दूं कि आप जानते होंगे, तो सिंपल लिखूंगा यू वुड नो, यहां पे यू वुड नो, और सिर्फ इतना लिखूंगा। लेकिन अगर मेरे पास ऐसी बातें आती है कि आप उसे जानते होंगे, तो मैं लास्ट में दे हिम या हर। लेकिन इसके आगे अगर मैं एक बात और बोल दूं कि मैंने मान के चलो ऐसा बोला कि आप सीता को जानते होंगे, तो यू वुड नो टू सीता, को जानते हैं ना, को जानते हैं, तो उसके बाद मैं ऐसे बोल दूं कि आप रमेश को जानते हैं, यू वुड नो टू रमेश, इस तरीके से। या फिर मान लो कि मैं और कुछ बोल दूं, यू वुड नो डॉग, तुम ऐसा बोल सकते हो तुम कुत्ते को जानते हो, तो भाई को आ रहा है, तो अगर को आ गया तो टू लगा देना, और नहीं आया तो नॉर्मल, वैसे नॉर्मल भी कर सकते हो, इतनी ज्यादा भी जो मिस्टेक है वो देखी जाती नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास पहले ये जो इतनी बात है, पहले ये पता होनी चाहिए, उसके बाद ना मैं इसका जो थर्ड एग्जाम्पल है एक बार उसे लेके बताऊं। मैंने बोला कि वह मान लो पानी पीता होगा, वह पानी पीता होगा, तो यहां पे क्या बोला मैंने, वह पानी पीता होगा, तो यहां पे क्या पानी पीने की बात चल रही है, तो अगर मैं यहां पे पानी पीने की बात कर दूं, मतलब कि पानी पीने की बात चल रही है, तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है मेरे पास यहाँ पे, तो पहले मेरा पानी पीने का पता होना चाहिए। पानी पीने को क्या बोलते हैं, ड्रिंक वाटर बोलते हैं, सिंपल से बोलते हैं ड्रिंक वाटर, कि मैं बोल दूं कि भाई पानी पियो, तो ये बोलेंगे कि हाँ भाई पानी पीने को, हम नॉर्मल से क्या बोलेंगे, ड्रिंक वाटर बोलते हैं, ये चीज है। तो मैंने यहाँ पे बोला कि वह पानी पीता होगा, तो अगर मैं वह पानी पीता होगा यहाँ पे बात कर दूं, तो वह मेरे पास क्या है, हमें तो पता नहीं है कि लड़का है कि लड़की, लेकिन हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं, या अगर यहाँ पे पीती लिखा होगा तो हम समझेंगे हाँ ठीक है लड़की है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वह पानी पीता होगा, तो पीता है इसका मतलब क्या, कोई लड़का होगा, कभी किसी लड़की को थोड़ी ना बोलते हैं कि वह पानी पीता होगा, लड़की को नहीं बोलते, यहाँ पे क्या है कि मतलब कि लड़का हुआ ऐसा बोल रहा था कि वह पानी पीता होगा, मतलब जो जेंडर है अगर वो मेल है तो उस टाइम क्या हम बोल सकते हैं कि वह पानी पीता होगा, लेकिन अगर मैं ऐसी बात कर दूं कि वह पानी पीती होगी, तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है, यहाँ पे किसकी, लड़की की बात चल रही है, तो यहाँ पे वह, देखो वह के ना हमारे पास दो मीनिंग होते हैं, अगर मैं बात कर दूं कि अगर मैं ऐसा बोलूं देखो वह, तो वह को एक तो ही भी बोल सकते हैं, ठीक है, ही का बोलते हैं जब किसी मेल की बात चल रही होती है, और वह को सी का बोलते हैं, वह को सी हम बोलते हैं और जब हमारे पास किसी फीमेल की बात चल रही होती है, जब किसी फीमेल की बात चल रही होती है हम क्या उस टाइम से सी बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे मैं जैसे बात कर रहा हूं, कह रहा कि वह पानी पीता होगा, तो वह पानी पीता होगा, तो वह को क्या बोलेंगे यहां पे, लड़का है, तो लड़के बोलेंगे ही। देखो पहले मैंने क्या करा, पहले सब्जेक्ट को लिखा मैंने, सब्जेक्ट क्या है यहां पर, वह है, और उसके बाद क्या मेरे पास वुड आ रहा है, तो वुड क्या करेंगे यहां पर, ही वुड, ठीक है, यहां पर मैंने क्या लगा कि ही वुड, तो ही वुड किसकी बात चल रही है, पानी पीने की बात चल रही है, तो ही वुड ड्रिंक वॉटर, ठीक है, यहां पे किसकी बात चल रही है, पानी पीने की बात चल रही है, कि ही वुड ड्रिंक वॉटर, ये बातें चल रही है। तो उसके बाद मैं इसके कुछ और एग्जांपल भी ले सकता हूं, जैसे मान के चलो मैं बोल दूं कि
आप कॉलेज जाते होंगे, या फिर मैं बोल दूं कि आप स्कूल जाते होंगे, चलो स्कूल वाले लेते हैं, कि आप स्कूल जाते होंगे, ठीक है। मैंने ऐसा बोला कि आप स्कूल जाते होंगे, तो अगर मैं ऐसी बातें कर दूं कि हाँ भाई आप स्कूल जाते, तो यहां पे आपका, यहां पे मतलब आप किसे बोलेंगे, यू को बोलते हैं, तो यू, यू के साथ जो देखो यू मेरे पास है, अब किसकी बात चल रही है, यू के बाद पहले हम क्या लगाएंगे, वुड लगाएंगे। देखो सब्जेक्ट लगा दिया पहले मैंने, सब्जेक्ट के बाद मेरे पास आ गया वुड, तो यू वुड, ठीक है। यहाँ पे क्या मेरे पास कि यू वुड, और उसके बाद जो मैं नेक्स्ट, देखो मैंने पहले बोला कि यू वुड, तो आप स्कूल जाते होंगे, तो पहले मैंने बोला कि यू वुड, तो किसकी बात चल रही है, स्कूल जाने की, तो यू वुड गो टू स्कूल, ऐसा लिख दूंगा मैं। अगर बोल दूं घर जाने की बात, मैं ऐसा बोल दूं कि आप घर जाते होंगे, तो यू वुड गो टू होम, या बोले आप स्कूल जाते होंगे, तो यू वुड गो टू स्कूल, यू वुड गो टू स्कूल, ठीक है। तो मेरे पास एग्जाम देखो, तो मैंने सिंपल सॉल्व कर दिया, यू वुड गो टू स्कूल, या फिर अगर मैं ऐसा बोल दूं कि आप घर जाते होंगे, तो क्या बोलेंगे इसमें, यू वुड गो टू होम, तो उसके बाद मैं बोल दूं कि आप मंदिर जाते होंगे, तो यू वुड गो टू टेम्पल, इस तरीके से होता है। तो जितनी बातें मैं इस तरीके से बताइए, पहले हमें अफर्मेटिव के सारे पहले पता होने चाहिए, ठीक है। तो अफर्मेटिव के बाद अब जो हम नेक्स्ट बात करते हैं, वो मेरे पास जो दूसरा आ जाएगा वो है नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो हम बात करते हैं नेगेटिव की, तो देखो नेगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, अगर मैं इन सब में नॉट लगा दूं ना, तो मेरे पास हो जाएंगे नेगेटिव। तो पहले मैं तुम्हें बस इसके रूल्स बता दे रहा हूं, जैसे मैं इसके रूल बोल दूं, तो रूल क्या होते हैं, मेरे पास आएगा पहले सब्जेक्ट प्लस, ठीक है। तो मैंने क्या होता है यहाँ पे, पहले मेरे पास क्या है, अगर रूल की बात कर दूं, पहले मेरे पास आ रहा है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद जो नेक्स्ट में अगर ऐसा बोल दूं, तो मेरे पास पहले आ जाएगा वुड, सब्जेक्ट प्लस वुड, वुड के बाद मेरे पास आएगा प्लस नॉट, देखो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस नॉट और प्लस वी वन और प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये चीजें मेरे पास। तो देखो हमें यहां पे समझ के क्या चलना है, कि जैसे मैंने यहां पे बता दिया कि मेरे पास यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हमें बस देखना है कि अगर ऐसे कोई सा भी सेंटेंस है, जैसे मान लो कि ये मेरे पास पहला था कि राम खाना खाता होगा, फिर बोला कि आप उसे जानते होंगे, अगला है वह पानी पीता होगा, अगला बोलते कि आप स्कूल जाते होंगे, तो अगर ऐसी कोई सी भी बातें हमारे सामने आती है, तो हमें देखो इसे बोलेंगे अफर्मेटिव में, लेकिन अगर इन सब में नॉट लगा होगा ना, मैं बोल दूं कि राम खाना खाता होगा, तो इसमें मैं पहला एग्जांपल देखो क्या ले सकता हूं, मैंने जैसे इसी का एग्जांपल ले रहा हूं कि राम खाना नहीं खाता होगा, मैंने बोला कि राम खाना नहीं खाता होगा, ठीक है, ये चीज है। तो अब इसमें क्या बोलूंगा कि पहले मैंने देखा राम, तो सब्जेक्ट क्या मेरे पास यहां पे राम है, तो क्या लिखूंगा पहले कि राम, मेरे पास क्या देखो, मैंने बोला कि राम खाना नहीं खाता होगा, तो पहले मैंने बोला कि राम, राम के बाद जो अगली बात देखो मेरे पास, जैसे मैंने बोला कि राम खाना नहीं खाता, तो पहले मैं क्या बोलूंगा राम लिख दिया पहले मैंने, फिर लिखूंगा वुड, सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट की जगह मेरे पास लिख दिया, फिर लिखूंगा वुड, तो अब यहां पे क्या है कि राम वुड, वुड के बाद मेरे पास आएगा नॉट, तो पहले सब्जेक्ट है फिर जाके मेरे पास वुड है, फिर क्या मेरे पास नॉट आ जाएगा, तो राम वुड नॉट, किसकी बात चल रही है यहां पे, खाना खाने की बात चल रही है, यहां पे किसकी बात चल रही है, मैं खाना खाना होता कि खाना खाने ही खाता होगा, तो राम वुड नॉट ईट फूड, राम वुड नॉट ईट फूड, इस तरीके से। तो यहां पे जो मैंने बताया कि राम वुड नॉट ईट फूड, इसका मतलब कैसे बस, अच्छा अगर ऐसा लिखा होता कि राम खाना नहीं खाता, तो इसमें लिखा है राम, मान लो कि मैं पिज्जा ले लूं, तो राम पिज्जा नहीं खाता होगा, ठीक है, तो मैंने ऐसा बोला कि राम पिज्जा नहीं खाता होगा, हम क्या लिखेंगे, राम वुड नॉट ईट पिज्जा,
इस तरीके से। उसके बाद मैं ऐसा बोल दूं कि मान लो चलो राइस की बात करते हैं कि राम चावल नहीं खाता होगा, मैंने जिससे राम लिखा है इस खाना के बदले मान के चलो कि ये लिखा हुआ है चावल लिखा है इसके बदले, इसके बदले मेरे पास लिखा है चावल, तो क्या लिखेंगे राम वुड नॉट ईट इस फूड की जगह पे हम क्या लिख देंगे राइस लिखेंगे यहाँ पे, राम वुड नॉट ईट राइस। ठीक है, ये चीजें तो हमें इन चीजों को समझ के चलना है। अगर हम इन सारी सारी चीजों को समझते हैं तो समझ के चलो कि हम ना इन सबको आराम से ट्रांसलेट कर पाएंगे। फिर मैं अगर दूसरी बात करूं, मैं इसका वैसा दूसरा एग्जांपल अगर लेके चलता हूं तो हम उस टाइम क्या करेंगे वो देखो एक बार। देखो अब मैं बोला कि मैं कोई सा एग्जांपल लेता हूं, मैंने बोला कि आप उसे पसंद नहीं करते होंगे, मैंने बोला कि आप उसे पसंद नहीं करते होंगे, मैंने क्या लिखा कि आप उसे पसंद नहीं करते होंगे। तो अगर मैं यहां पे पहले हम बात करते हैं पसंद करने का मतलब क्या होता है, पसंद नॉर्मल लाइक बोलते हैं, तो मैं पहले लिखा कि आप, तो आपका मतलब क्या होता है आपका मतलब होता है यू यू। उसके बाद मैं कह रहा कि आप उसे, तो पहले मैं कहूंगा यहां पे दे दो आप लिख दो मैंने सब्जेक्ट की जगह, फिर लिखूंगा वुड, पहले मैंने सब्जेक्ट की जगह जो सब्जेक्ट है मेरे पास यहां पे ये जो सब्जेक्ट है पहले मैंने इसकी जगह यू लिखा, यू के बाद मैं जो नेक्स्ट लिख रहा हूं देखो पहले यू लिखा, यू के बाद अब मैं जो थोड़ी सी नेक्स्ट बात करता हूं हम लिखेंगे यू वुड, वुड के बाद नॉट भी आ रहा है यू वुड नॉट। उसके बाद क्या है कि और किसकी बात चल रही है पसंद नहीं करने की, यू वुड नॉट लाइक। अब किसकी यहां पे कौन है मतलब कि उसे, अगर यहां पे उसे के अलावा कोई और, जैसे मान लो कि अगर राम होता यहां पे जैसे इस लिखा है कि उसे, तो यहां पे हम लिख देंगे हिम या हर, या तो हिम आ जाएगा या फिर हर, इस तरीके से कि या तो हिम आएगा या फिर मेरे पास हर आ जाएगा। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि हाँ भाई ठीक है तो हिम आ सकता है या फिर उसके बदले हर आ सकता है। ठीक है, तो अब जैसे मैं बता गया तो या तो वहां पर हिम आएगा या फिर हर आएगा, लेकिन अगर यहां पर राम लिखा है मैं तो आप राम को पसंद नहीं करते होंगे, तो यहां पर क्या आएगा कि यू वुड नॉट लाइक टू राम। ठीक है, तो को आएगा ना, जिसमें मतलब आप राम को पसंद नहीं करते होंगे, यहां पे क्या लिखा कि आप राम को पसंद नहीं करते होंगे, तो यहां पे क्या लिखेंगे यू वुड नॉट लाइक टू राम। ठीक है, हम क्या लिखेंगे यू वुड नॉट लाइक टू राम, इस तरीके से। अब जो इसके जो हमारे पास देखो, अब मैं इसके एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे मालूम है इसका कोई सा छोटा सा एग्जांपल हूं, मैंने बोला कि वह तुम्हारी मदद नहीं कर मतलब कि वह तुम्हारी मदद या फिर मान के चलो कि ऐसा तो कोई सेंटेंस बन नहीं रहा, चलो बोल सकता हूँ कि जैसे वह आपकी मदद नहीं करता होगा, मैंने बोला कि वह आपकी मदद नहीं करता होगा, तो यहां पे मैं लिख दूंगा आराम से, जैसे मैंने बोला कि वह आपकी मदद नहीं करता होगा, यहां पे क्या बात चल रही कि वह आपकी मदद नहीं करता होगा। तो अब मैं यहां पे अगर बोल दूं सिंपल सा, मैं इसको ट्रांसलेट कैसे कर सकता हूं, मैं इसको नॉर्मल बोल दूंगा, पहले देखता हूं वह की जगह पे क्या आएगा, वह की जगह पे आएगा ही, या फिर देखो वैसा ही आएगा क्योंकि लास्ट में मेरे पास होगा है, अगर होगी तो अगर यहां पे होगा के बदले होगी लिखा होता तो हम लिखते सी, लेकिन अभी यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा ही, वह के बदले आएगा ही। तो पहले मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट के बाद लिखूंगा वुड, सब्जेक्ट के बाद मेरे पास क्या आएगा वुड, तो ही वुड, ही वुड, उसके बाद मेरे पास आएगा नॉट, ही वुड नॉट। अब किसकी बात चल रही है, देखो यहां पे बात क्या चल रही है मदद करने की, ही वुड नॉट हेल्प, ही वुड नॉट हेल्प। अब देखो यहां पे आपकी बात चल रही है मतलब कि ही वुड नॉट हेल्प, तो यू इसमें आपकी कैसे तो यू आ जाएगा, जैसे मान लो कि यहां मैं लिखा कि ही वुड नॉट हेल्प यू, तो यहां पे क्या लिखा होगा कि वह आपकी मदद नहीं करता होगा, लेकिन अगर मैं ऐसा बोल दूं कि वह राम की मदद नहीं करता होगा, अगर ऐसा बोलूं कि
वह राम की मदद नहीं करता होगा तो मैं क्या बोलूंगा यहां पर? सिंपल सी बात बोलूंगा कि ही वुड नॉट हेल्प टू राम। ठीक है, जैसे मान के चलो कि जैसे अरे एक मिनट यहाँ पे हमारे पास क्या कि वह आपकी मदद नहीं करता होगा तो ही वुड नॉट हेल्प है, हिम नहीं आएगा, यहाँ पे हेल्प आएगा। यहाँ जो हमारे पास है ही वुड नॉट हेल्प, ही वुड नॉट हेल्प यू। ठीक है, इस तरीके से मैं बोलूँ कि वह आपकी मदद नहीं करता होगा तो ही वुड नॉट हेल्प यू। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे मैंने बोला कि ही वुड नॉट हेल्प यू, तो यू जो मेरे पास है यहाँ पे अगर आपकी जगह पे यू आया है, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता मान लो कि राम लिखा हुआ है, मान लो मैं किसी हमेशा एग्जाम्पल लेकर राम का लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि वह अगर देखो मैं जैसे आपकी लिखा हुआ है, आपकी के बदले जैसे यहाँ पे आपकी लिखा है, आपकी के बदले अगर यहाँ पे राम आ जाए तो हम क्या यहाँ पे राम लिख देंगे, यू के बदले राम लिख देंगे। लेकिन कोई और सी भी अगर बातें आती है तो हम वो भी यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आती नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ना ये जो मैं तुम्हें जो बताया अफर्मेटिव और जो नेगेटिव है पहले ये आनी चाहिए, और इसके कम से कम तुम्हें जो अगर मैं होमवर्क की बात कर दूं तो कम से कम तुम्हें यहाँ पे दोनों के 10 और जो 10 सेंटेंस है वो करने हैं, दोनों के 10 सेंटेंस तुम्हें करने हैं। और उसके बाद क्या है कि भाई यहाँ पे जितने भी है चेक करने का सिंपल तरीका, मैं तुम्हारी नोटबुक तो चेक करने नहीं वाला, तुम्हें जितने भी जो तुम सेंटेंस करोगे उसको कमेंट करना है, तुम्हें ये जो सारे ही सारे तुम्हें इसको कमेंट करना है, और कमेंट करके ही यहाँ पे तुम्हारी मानव चेकिंग हो जाएगी। मैं देख लूंगा कि हाँ भाई कितने जने हो और कितने जने जिन्होंने पूरा पूरा नहीं देखा है, तो उसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो आज सारा पर इतना कर लेना, उसके बाद जो इसका इंट्रोगेटिव जो हमारे पास है डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो ये सारा इसके नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। धन्यवाद।